यूं तो पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, लेकिन कई बार इस विश्वास की जगह शक पनपने लगता है, जिसके कारण कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। वैसे ही कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां चरित्र पर संदेह के चलते पति ने पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह घटना नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दीक्षित नगर में हुई। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। हत्या की यह वारदात कपिल नगर थाना क्षेत्र के पंचम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 109 में हुई। मृतक महिला 24 वर्षीय मन्नत कौर थी, जिसकी हत्या उसके पति दिलप्रीत सिंह उर्फ विक्की ने की है। बताया जा रहा है कि दिलप्रीत सिंह ने 5 साल पहले मन्नत से प्रेम विवाह किया था और अब उनका 2 साल का बेटा है। हालांकि शादी के बाद दिलप्रीत का परिवार इस शादी से नाखुश था, जिसके कारण उनके पारिवारिक झगड़े शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि कई बार उनके घरेलू झगड़े थाने तक भी पहुंचे। मामले के तह तक जाए तो पता चला कि मन्नत कौर का मायका हुड़को कॉलोनी परिसर का है। दिलप्रीत सिंह की कपिल नगर चौक पर किंग्स एसेसरीज नाम से कार डेकोरेशन की दुकान है और बताया जा रहा है कि मृतक मन्नत का किसी अपराधी के साथ अफेयर चल रहा था और इसकी जानकारी उसके पति दिलप्रीत को हो गई थी, जिसके चलते उसने मन्नत को उस अपराधी से दूर रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि घरेलू विवाद के कारण दिलप्रीत ने करीब 3 महीने पहले दीक्षित नगर के पंचम अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लिया था और मन्नत वहाँ पर अकेली रह रही थी, जबकि पति दिलप्रीत और उसका 2 साल का बेटा दादा दादी के पास चौक कॉलोनी में रहते थे। मंगलवार को भी पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके चलते मन्नत का भाई विशाल अपनी बहन को शिकायत दर्ज कराने कपिल नगर थाने ले गया। हालांकि तब पुलिस ने घरेलू विवाद के चलते एनसी दर्ज की थी। देर रात काम खत्म करने के बाद जब दिलप्रीत दीक्षित नगर स्थित मन्नत के फ्लैट पर मिलने गया तो उनके बीच फिर से बहस हुई और इसी बहस में दिलप्रीत ने अपनी पत्नी मन्नत के सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। इस वारदात के बाद इसी बीच जब मन्नत की सहेली ने मन्नत के मोबाइल पर बार बार कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने कपिल नगर थाने में आकर इसकी जानकारी दी। पुलिस टीम जब दीक्षित नगर स्थित अपार्टमेंट में पहुंची तो उन्हें मन्नत कौर का शव वहां पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया और बाद में आरोपी दिलप्रीत सिंह और विकी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। मैं पुलिस उपनिरीक्षक सचिन शांताराम धात्रक, पुलिस थाने कपिल नगर, नागपुर शहर। अपराध नंबर 256/2024, कलम 302 भारतीय दंड संहितेचा तपासी अधिकारी। या सदर गुन्ह्याची हकीकत अशी आहे की यातील फिर्यादी नामे विशाल प्रकाश हरजानी, उम्र 20 साल, रैना हुडको कॉलोनी, प्लॉट नंबर B48, घर नंबर 572, कोलई थाने जरीपटका। इन्होंने पुलिस थाना कपिल नगर यहाँ पे तकरार दी है कि उनकी बहन नामे मयत नामे सौ मन्नत कौर दिलप्रीत सिंह विक्र, उम्र 24 साल, रैना फ्लैट नंबर 109 पंचम वैद्य आर्य सोसाइटी दीक्षित नगर पुलिस थाना कपिल नगर, इनकी उनके पति दिलप्रीत सिंह उर्फ विक्री विक्की कुलिंदर सिंह विक्र, उम्र 30 साल, इन्होंने उनपे संशय लेते हुए दिनांक 26/6/2024 के दिनांक 25/6/2024 के 20:35 बोले तो 8:35 से 9:10 के दौरान हत्या की है। हत्या का कारण उन्होंने उनके उन पर संशय लिया, ऐसा तकरारदार ने उनके तकरार में बताया है। तकरारदार आरोपी और मयत इनका 2022 में प्रेम विवाह हुआ था। उनके बीच में फैमिली डिस्प्यूट के वजह से झगड़े चालू थे, इसलिए 3 महीने से ही वो नमूद घटनास्थल पे किराए से आए हैं, ऐसा तकरारदार ने उनके तकरार में बताया है। आरोपी को अटक की जा चुकी है, उसका तपास चालू है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिवरी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।